ओके गुड मॉर्निंग गाइज़ इट्स 5:51 फिफ्टी वन इन द मॉर्निंग और मैं निकल रहा हूँ एक छोटी सी मॉर्निंग प्रैक्टिस राइड और गाइज आज हम हमारी जो धनो है वो नहीं चलाने वाले आज चलाने वाले हैं मॉन्ट्रा ट्रांस प्रो टू थाउजेंड एंड का मॉडल इसे लेके दो साल हो चुके हैं तो इसका जो भी इन डेप्थ लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगा फिलहाल निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है देखो 5:59 ऑलमोस्ट छः बज चुके हैं निकलते हैं राइड तो उस क्या भागती है ये साइकिल मतलब मैं आता हूँ एक एम सेमी एम बैकग्राउंड से तो जब मैं हाइब्रिड चलाता हूँ ना तो बहुत ही मज़ा आता है और इसे भगड़ने में तो बहुत ही मज़ा आता है एनी वेज गाइज़ है यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्कार मेरी तुम्हारा सर्व का स्वागत है तुम्हार लाड़किया भाव के चैनल मे तो गाइज़ ये जो साइकिल है ये हम लोगों ने दो साल पहले परचेस की थी ये है ओमकार की मॉन्ट्रा ट्रांस प्रो टू मॉडल तभी uh, ली थी हम लोग ने जब ये लेटेस्ट आई थी है इस साइकिल के तो मैंने ऑलरेडी वैसे तो एक प्रॉपर वीडियो बनाया था इसके बारे में जिसे ऑलमोस्ट 18,000 कुछ व्यूज़ आते हैं और उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं लोगों के तो अगर आप चाहते हो डिटेल में तो वो वीडियो देख सकते हो बट ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक रफ़ आइडिया दे दूँगा तो ये है मट्रा ट्रांस प्रो टू का मॉडल है ये और ये जो साइकिल है ना पर्टिकुलर ये हाइब्रिड कैटेगरी में आती है तो इसमें हमें मिलता है थ्री बाई एट का गियर रेशो नॉर्मली हमें मिलता है थ्री बाय सेवन बट इसमें वो खासियत है कि थ्री बाई एट का हमें मिलता है फ्रंट में तीन गियर्स और रियर में आठ गियर्स उसके बाद इसमें कोई सस्पेंशन नहीं आता है रिजिड सस्पेंशन मतलब रिजिड फोक आता है एंड द टायर साइज इज सेवन हंड्रेड सी और जो फ्रेम है द बेस्ट पार्ट द फ्रेम इज़ ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय तो बहुत ही लाइट वेट हो जाता है अगर आपको कहीं पे उतर के साइकिल पीट पे लेके जानी है तो इट इज़ वेरी इजी आपको कहीं भी हसल फील नहीं होगा नेक्स्ट इज़ कि दोनों जो व्हील्स है वो रिमूवेबल है मतलब नट एंड बोल्ट नहीं आते हैं इसमें इसमें क्विक रिलीज आते हैं विच इज़ द बेस्ट नाव डज क्योंकि जब आप आ, कार वगैरह में साइकिल कैरी करते हो ना तो ईजिली व्हील्स निकाल के फ्रेम को साइड में कर सकते हो तो आपकी कार भी डैमेज नहीं होती है या फिर पंचर्स वगैरह निकालने में बहुत आसानी हो जाती है ये सब चीज़ों से बाकी तो नॉर्मल ही है आपको कुछ ऐसे ग्रिप्स मिलते हैं पाम सपोर्ट वाले नॉर्मली ये मिलते नहीं है बट या दे प्रोवाइड दिस सपोर्ट वाले ग्रिप्स विच इज़ अ गुड थिंग अगेन फ्रंट में आपको ये शिमानो के शिफ्टर्स मिलते हैं और जो डीरे लिएर्स है फ्रंट में और रियर में वो भी शिमानो के ही मिलते हैं सो so नाव मैं अपनी फटाफट से राइड कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू बताता हूँ क्योंकि ये साइकिल जो है जो हम लोगों ने राजगढ़ राइड की थी उसमें आते वक्त एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था ओमकर का ये साइकिल से तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ काफ़ी डैमेज भी हुई थी साइकिल लेकिन अभी देख रहे हो आप लोग क्या मस्त भगा रहा हूँ मैं तो फटाफट राइड कम्प्लीट करता दो और अच्छी सी जगह पर रुक के आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बताता हूँ ही प्यारा सनराइज हो चुका है गाइज और मेरे चेहरे पे ग्लो देख ही सकते हो ये देखो सामने ये फायदे मतलब मॉर्निंग राइड के बर्ड्स की वो चॉपिंग वाली नॉइज सनराइज सनराइज देखते हो ना सनराइज या सनसेट बोलो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में चलो बातें बाद में पहले राइड खत्म करके आप लोगों को रिव्यू देता हूँ से घुसेंगे हम अंदर मेरी राइड कंप्लीट हो चुकी है तो मैंने सोचा कि एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके आप लोग को इसका रिव्यू देता हूँ तो गाइज़ अगर आपके पास कोई हाइब्रिड है विदाउट सस्पेंशन रिजिड फोर्क वाली तो ये हालत होती है आपकी मतलब आप जो है ना वो ऑफ़ रोड इन्जॉय नहीं कर सकते आप ऑफ रोड पर भगा ही नहीं सकते क्योंकि सारे झटके आपके हाथ पे आएंगे आपको सैडल से उठना ही पड़ेगा वैसे तो ऑफ़ रोड में सैडल से उठते ही है मैं भी अभी वही करके राइड कर रहा हूँ बट फिर भी अगर आपके साइकिल में सस्पेंशन है एटलीस्ट फ्रंट सस्पेंशन तो भी आप मैनेज कर सकते हो भगा सकते हो मतलब बस आपको थोड़े बहुत स्किल्स आने चाहिए कि वेट बैलेंस कैसे करना है अभी यह जो साइकिल है ना ये मेरे आंखों के सामने ही रही है मतलब ओमकार और मैं साथ में ही राइड किए हैं काफ़ी राजगढ़ वाली राइड हो गई उसके बाद में वो जो हम लोग ने हंड्रेड किलोमीटर्स फॉर आर इंडियन आर्मी वो की थी और भी काफ़ी राइड्स की थी जिसका मैंने व्लॉग नहीं शूट किया तो इस साइकिल के बारे में जितना उसे पता है उतना ही मुझे भी पता है इसलिए मैं इस साइकिल का रिव्यू कर रहा हूँ आज और बहुत ही ड्यूरेबल है जो मैंने एक्सीडेंट वाली बात बताई थी ना आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वो बात करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी समझेगी आप लोगों को कि कितनी ड्यूरेबल है यहीं पे मैंने हाउ टू यूज़ गियर वाला वीडियो शूट किया था अगर आप लोगों ने देखा है वो तो एक बात तो है इसे चलाने में मज़ा बहुत आता है फिर वो चाहे अपहिल्स हो या फिर नॉर्मल प्लेन रोड के दिस इज दिस लुक्स लाइक अ गुड प्लेस नो 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 यहाँ पे बाटली फोड़ी हुई है कहीं और चलते कहीं और मतलब थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा वापस दिस लुक्स लाइक अ गुड प्लेस या यहीं पे कर लेते क्या मस्त सनराइज़ हुआ था वहाँ से जब मैं आ रहा था ना तो कैप्चर हुआ थोड़ा सा गोप्रो में बट अभी देखो कहाँ पे पहुँच गया सूरज वैसे टाइम हो रहा है सिक्स थर्टी एट और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका रिव्यू तो जो मैं पैंट यूज़ कर रहा हूँ ना अभी फ़िलहाल ये है जेंसन की आ, क्या बोलते हैं इसे कन्वर्टेबल पैंट अभी ये मैंने शॉर्ट्स करके पहनी है इसे फुल भी कर सकते हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स है इस पैंट के बारे में मैं इसे साइकिलिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे कैमरा फ़ोन वगैरह जेब में रखना पड़ता है इसके अंदर मैं अपने साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन लेता हूँ और ट्रेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है रिसेंटली जो रील्स वगैरह है या फिर जो अपना गानोबाई वाला वीडियो है उसमें भी मैंने यही पहनी थी दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ और मतलब ऐसे बोल सकते हो कि एक प्रकार का सुकून ही मिल चुका है ये पैंट जब से मैंने खरीदी है बेस्ट इन बजट है इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं एक बनाऊंगा अगर मैं नेक्स्ट ट्रिप या फिर नेक्स्ट ट्रैक पे जाऊंगा तो वहाँ पे ज़रूर इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा बाय द वे गाइस साइकिल की कंडीशन पे बिल्कुल भी जज मत करना क्योंकि आपके सामने ही मैं राइड करके आया हूँ और ये जो पूरा पैच है ना ये पूरा मट्टी वाला पैच है ऑफ रोड तो उसमें धूल वगैरह तो बैठ ही जाती है फिर भी एक बार थोड़ा लुक्स चेकआउट कर लो साइकिल के और ये मैंने आप लोग को थ्री सिक्सटी ही दे दिया बाय द वे गाइज जब कोई भी आदमी आपकी साइकिल देखता है ना तो सबसे पहले वो नोटिस करता है पेंट जॉब तो अगर आप लोग पेंट जॉब देखोगे ना तो दो साल में कहीं पर भी पेंट उड़ा हुआ नहीं है मतलब ये देखो पूरा का पूरा जैसे का तैसा है जो एक्सीडेंट के टाइम पे थोड़े बहुत टचअप्स आए थे जैसे कि ये देखो ये भी मतलब एकदम ऊपर ऊपर वही है बाकी एज सच जो वेदर कंडीशन के वजह से पेंट खराब होता है ना वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है साइकिल में अब बात कर लेते हैं हम उस एक्सीडेंट के बारे में तो राजगढ़ की जो राइड है वो मैंने वन साइड तो पूरी रिकॉर्ड की थी लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं की एक्चुअली मैंने आधी रिकॉर्ड की थी बट वो मैंने पोस्ट इसलिए नहीं की क्योंकि बीच में ओमकार का हो गया था एक्सीडेंट एंड देन वो सब संभालने में मैं लग चुका था तो हुआ ये कि जब जो खेड़ शिवापुर का टनल है वो हम लोगों ने क्रॉस करके आगे आए मतलब लोनावला की तरफ तो वो पूरा स्टीप ऐसे ढलान है तो वहाँ पर एक छोटा सा कंकड़ आ गया था बस टायर के नीचे और मेरे सामने ही ओमकार ऐसे पूरा पलटी हो चुका था तो मैंने उस टाइम पे जस्ट कैमरा बंद करके मुंडी ऊपर की थी और ये भाई साहब गिरे हुए थे वरना वो सब कैमरा में कैप्चर हो गया होता अब वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि जो साइकिल है वो पूरी की पूरी पलट गई थी ओमकार पलट गया था पूरा अगर उसकी बैग नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता तो साइकिल को काफ़ी डैमेज भी हुआ था जो हैंडल है ये पूरा पूरा रोटेट हो चुका था ये पीछे साइड आ गया था मतलब ये जो यहाँ पे जो स्टेम है ये पूरा रोटेट हो चुका था फ्रंट के कुछ फोक्स बेंड हो गए थे ये जो पेडल आप लोग देख रहे हो ये हम लोगों ने बाद में चेंज करवाए हैं क्योंकि ये पेडल पूरा का पूरा वो साइड वाला डिस्ट्रॉय हो गया था ये पूरा बेंड हो गया था क्रैंक को कुछ भी नहीं हुआ था फ्रंट डीरेलर को भी कुछ भी नहीं हुआ था फ्रेम को एज सच कुछ नहीं हुआ था सीट भी पूरी की पूरी सलामत थी टायर भी पूरे के पूरे सलामत थे जो रिम है वो भी पूरी की पूरी सलामत थी जो इम्पैक्ट हुआ था वो हुआ था डीरेलर पे। अब यह साइकिल में एक ड्रॉबैक में आप लोगों को बताना चाहूँगा मोस्टली साइकिल्स में होता ही है जो डीरेलर गार्ड है ना इसमें वो अवेलेबल नहीं है ये आपको नहीं मिलता है ये आफ्टर मार्केट आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा जो अपनी धनों है उसमें डीरेलर गार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो नॉर्मल इम्पैक्ट होते हैं ना साइकिल गिर विर जाती है तो वो ले लेता है और आपका डिरेलियर सेफ हो जाता है तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट हुआ था ये पूरा का पूरा डिरेलर उल्टा हो गया था और थोड़ा सा बेंड भी हो गया था जिसके के कारण अगर हम लोग आगे का मैनेज भी कर लेते जैसे तैसे बट ये नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर उतने टूल्स नहीं थे जो गराज में होते तो ये एक प्रॉब्लम हुआ था और कुछ बस फोक्स बेंड हो गए थे बस इतना ही डैमेज इस साइकिल में हुआ था कहीं पर भी जो फ्रेम है उसे कुछ भी नहीं हुआ था जो फ्रंट फोक है उसे भी कुछ नहीं हुआ था और जो ब्रेक्स वगैरह है उसे भी कुछ नहीं हुआ था अब ये जो डिटेल कहानी है ना इस एक्सीडेंट की अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि उसके बाद जो सीन हुए ना उसे जैसे जैसे हम लोगों ने लोनावला में लाया है कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीज़ें हुई या अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं और ओमकार साथ में बैठ के वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग जब भी वो डिस्कस करते हैं ना बहुत ज़्यादा हंसते हैं क्योंकि वो एक्सीडेंट और वो जो जो भी सीनेरियो था ना वो मतलब ठीक है एक सैड पार्ट था वो राइड का बट फिर भी उससे हम लोग ने इंजॉय किया था कुछ फुटेजेस होंगे तो मैं ज़रूर यहाँ पर डालूंगा अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की तो एक्सीडेंट का जो मैंने बताया उससे आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये कितनी ड्यूरेबल साइकिल है अब हम लोग बात करते हैं राइडिंग क्वालिटी की तो गाइज जो फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग शूट किया था ये साइकिल का तो मैंने इसे राइड किया था अपील किया था थोड़ा बहुत ये साइकिल के साथ में और तब का और अब का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी सेम ही है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड होती है और बहुत ही मतलब स्पीडली आप लोग राइड कर सकते हो अब ये जो स्पीड का मामला है ना जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ये जो टायर्स है ये है सेवन हंड्रेड सी और ये देख सकते हो आप लोग कितने पतले हैं मतलब मेरी दो ही उंगलियाँ बस इतने ही मोटे ये टायर्स है अब ये टायर्स की वजह से एक प्लस पॉइंट तो होता है कि आप लोग साइकिल भगा सकते हो ईज़िली बट अगर छोटा सा भी कंकड़ इनके सामने आ जाए ना तो साइकिल ईजिली डिसबैलेंस होती है तो ये एक मतलब हर ही हाइब्रिड uh, साइकिल में ये प्रॉब्लम होता है हाइब्रिड तो क्या रोडी में तो होता ही है बस एक एम भी है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है वो हैंडल कर लेती है तो वो दिक्कत थोड़ी बहुत होती है बट फिर भी मतलब ओवरऑल अगर अपन राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है जो शिफ्टर्स है वो भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है मतलब शिफ्ट हो रहे हैं गियर्स स्मूथली हो रहे हैं कहीं पर भी हार्ड नहीं हार्ड थोड़ी बहुत हार्डनेस है क्योंकि अभी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से इसे सर्विस नहीं किया गया है क्योंकि ओमकार की शादी भी थी और काफ़ी चीज़ें और भी लाइन अप थी तो वो चक्कर में थोड़ा सर्विसिंग का थोड़ा रह गया था बट ओवरऑल बाकी सब एकदम स्मूथली काम कर रहा है अब सर्विसिंग की बात मैंने छेड़ी दी है तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे एक साइकिल को मेनटेन किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बताऊँगा कि जब भी आप कोई नई साइकिल परचेस कर हो तो उसके एक या डेढ़ महीने में ही आपको एक प्रॉपर चेकअप और एक प्रॉपर सर्विस करानी होती है क्योंकि आपको पता नहीं है वो साइकिल कब मैन्युफैक्चर हुई है कितने दिन उसको हो चुके हैं और अंदर के पार्ट्स कैसे हैं तो वो सब के लिए आपको एक नॉर्मल चेकअप और एक प्रॉपर सर्विसिंग करानी ही पड़ती है जिसमें आपके जो डिरेलर्स है वो सब चेक होते हैं आपके जो केबल्स है वो सब टाइटन अप होते हैं ब्रेक लीवर्स वगैरह सब कुछ टाइट होता है और जो हब होते हैं ये जो हब है ना इसे हब बोलते हैं व्हील का तो वो सब भी चेक होता है बियरिंग्स रहेंगे तो बियरिंग सर्विसड होते हैं या फिर जो गोल गोल वो जो अपन ने सर्विस की थी ना वो होते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते तो ये सब चीज़ें करवाना बहुत ज़रूरी होता है और ओवरऑल आप अगर राइड पे जाते हो तो साइकिल को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइड के बाद में और कुछ कुछ टाइम के बाद जो चैन है यहाँ पे उसे ल्यूब करना क्लीन करना ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अब आते हैं हम इसकी ब्रेक्स की तरफ तो ब्रेक्स में मुझे हल्का सा डिसकम्फर्ट महसूस हो रहा है अभी पूरी तरीके से मतलब सेटिस्फाइड नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि ब्रेक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे स्टार्टिंग में भी ओमकर को यह दिक्कत आई थी एक्जैक्टली दो साल हो चुके हैं इस साइकिल को परचेस करके और जब हम लोगों ने यह साइकिल ली थी ना उसके अराउंड डेढ़ या दो महीने बाद ही क्रैंक से आवाज़ आना शुरू हुआ था एक छोटा सा आवाज़ आ रहा था कट कट वाला तो वो कुछ भी करके रिपेयर नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने जब सर्विस सेंटर गए थे जहाँ से हम लोगों ने साइकिल परचेस की थी तो उन्होंने कहा कि जो क्रैंक है वो बदलना पड़ेगा तो वही बस एक चीज़ है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बदली थी विदाउट एनी रीज़न मतलब विदाउट एक्सीडेंट या फिर कुछ और तो वो एक ड्रॉबैक मैं कहूँगा या फिर मे बी हमारी गलती है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही वो प्रॉपरली चेक करके नहीं लिया या फिर जो बॉक्स पैक साइकिल होती है ना वो नहीं ली जो वहीं पे अवेलेबल थी क्योंकि एक ही अवेलेबल थी और हमें बहुत अर्जेंसी थी तो हम लोगों ने यही उठा ली मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि अगर जब भी आप साइकिल परचेस करने जाते हो तो उनसे एक पेटी पैक साइकिल ही मांगना जो शोपीस लगाए होते हैं वो बिल्कुल भी मत लेना अगर ले भी रहे हो तो प्रॉपरली चेकअप करके लेना पूरी साइकिल की बात कर ही ली हम लोगों ने तो थोड़ा टायर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो टायर्स देखोगे थोड़े थोड़े जो है ना अब ये फटना शुरू हुए हैं अब ये क्यों होता है जब आप साइकिल काफी टाइम के लिए खड़ी रखते हो या फिर क्लीन नहीं करते हो ना टायर मट्टी वगैरह जाके और थोड़ा थोड़ा ना फिर ये ऐसे कट्स आने लगते हैं अगर आप लोग साइकिल में हवा नहीं रखते हो थोड़ी भी एकदम ही फ्लैट रख देते हो या फिर ए ही खड़ी रहने देते हो साफ़ नहीं करते हो टायर्स तो या फिर एजिंग के वजह से भी ये होता है तो टायर की हालत कुछ ऐसी है इन्हें चेंज करना पड़ेगा जल्द ही तो ओवरऑल जो है इस साइकिल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया और गाइज ओवरऑल अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ ना इसे तो टेन आउट ऑफ सेट एट दूंगा मैं इसे क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट इसने झेला है फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ है और जो बाकी तो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई दी पेंट जॉब बहुत ही ज़्यादा खास लगा मुझे मैट पेंट है लेकिन फिर भी थोड़ा भी उड़ा नहीं है कहीं पे भी कहीं पे भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो वेदर कंडीशन की वजह से होती है बाय द वे गाइस हम लोग ने इसे बारिश में भी चलाया है तो उससे आप लोगों को पता लग गया होगा हाँ यहाँ पे भले पेंट उड़ा हुआ है उड़ा नहीं ये एक्चुअली जब आप सीट uh, पोस्ट खोलते हो और उसे एडजस्ट करते हो ना तो ये यहाँ पे घिसता है कोई भी साइकिल का सीट पोस्ट तो उससे बस ये थोड़ा सा कलर यहाँ पे गया है तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल तो दिस वाज इट गाइज मुझे कमेंट आई थी कि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाना और मुझ मैंने तब वीडियो में भी जब मैंने इसका परचेस वीडियो बनाया था तब भी मैंने बोला था कि मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कुछ कुछ कारणों की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था पर अब मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनता जरूर है तो गाइज अगर आप लोग ये साइकिल अभी परचेस करना चाहते हो तो ज़रूर मैं तो बोलूँगा कि बिंदास करो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रांड है ये और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइकिल है मोंट्रा ट्रांस प्रो 2021 का मॉडल उसके बाद शायद ही इसका अपग्रेडेड वर्जन आया है मुझे पता नहीं मैंने चेक नहीं किया अगर किया होगा तो मैं आप लोगों को अगले वाली वीडियोज में बता दूंगा तो यही सब था इस वीडियो में गाइज अब मैं जाऊँगा घर पे क्योंकि अभी बच चुके हैं सिक्स फिफ्टी टू अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है गाइज़ तो वहाँ पे फॉलो कर लो क्योंकि काफ़ी जो वीडियोस हैं ना राइड्स वग़ैरह के वो मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ और वहाँ पे मैं डेली अपलोड करता हूँ के या फिर राइड्स के बहुत सारे वीडियोस रील्स वहाँ पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ डेली तो वो ज़रूर एक बार आप लोग इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना दिस वॉज अ रॉ वीडियो मैंने इसे रॉ इसलिए रखा क्योंकि बनावटी नहीं बनाना चाहता था जो भी मेरे मुंह से आए इसे देख के और इसे फील करके वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था क्योंकि वही होता है एक प्रॉपर रिव्यू तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कुछ तो इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को इस वीडियो में लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक like करना अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिस्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को क्योंकि जल्द ही हम लोग फोर के कम्प्लीट करेंगे गाइज़ और ज़रूर करेंगे बारिश के पहले अगर फोर के हो गए ना तो भाई क्या मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि बारिश में काफ़ी सारे प्लान्स हैं कल ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे फेस पे थोड़ा इरिटेशन है तो अब वो अभी भी है बट काफ़ी हद तक वो थोड़ा कम हो चुका है तो मैंने सोचा कि फटाफट से एक राइड वीडियो बना लेते हैं सुबह सुबह क्योंकि सुबह सुबह धूल मिट्टी वगैरह नहीं होती है इतनी ज़्यादा तो बना दिया <laughs> तो मिलते हैं गाइज़ एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आई नो आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे बोला था कि ट्रैकिंग और कैंपिंग वाला वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर आने वाला है क्योंकि लाइंड अप है उस वीडियोस में कैसा होता है ना वो सब प्लानिंग करना पड़ता है प्रॉपरली तो इसलिए उसे थोड़ा आगे पुश किया है पर वो आएगा ज़रूर आप लोगों ने बोला है आपकी ख्वाहिश पूरी होगी मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे स्टेट स्टे हैप्पी सर्वत जा तुम चर्चा की काजी किया कारण तेज सर्वत जा इंपॉर्ट है साइनिंग ऑफ हेमंत राउत बाय सब्सक्राइब करके जाना थैंक यू